नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा चौकसी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल होलिस्टिक एडवांस होम्योपैथी में। दोस्तों, लास्ट ईयर मुझे एक कॉल आया जिसमें मुझे पूछा गया कि मेरा भाई है जिसकी सिर्फ 52 ईयर्स है, उसको डायबिटिक गैंग्रीन हो गया है जिसके कारण उसको राइट लेग की 4 उंगलियाँ कटवानी पड़ी है और लेफ्ट लेग में एंकल के ऊपर का आधा पैर कटवाना पड़ा है। अभी प्रॉब्लम वो है कि जहाँ से पैर कटवाया है उसके ऊपर के हिस्से में वापस गैंग्रीन शुरू हो गया है। तो क्या आपके पास होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे कि उसका गैंग्रीन कम्प्लीटली ठीक हो जाए? जब मैंने पेशेंट से वीडियो कॉल से बात की तो मैंने देखा कि पेशेंट लगातार अपनी आईज क्लोज करके ही बात कर रहा था। मेरे पूछने पर उसकी बेटी ने बताया कि पापा को डायबिटीज के कारण कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन हो गया है, 2 साल से पापा बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं। पेशेंट को 3 साल से लगातार एंटीबायोटिक दी जा रही थी जिसके कारण पेशेंट का हीमोग्लोबिन 5 तक आ गया है। उसके कारण पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था और जैसे ही पेशेंट को ब्लड चढ़ाते थे तो उसका हीमोग्लोबिन 9-10 हो जाता था, लेकिन 15 दिन में वापस वो 5 तक आ जाता था। जब हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू की तो कुछ ही दिनों में पेशेंट का गैंग्रीन कम्प्लीटली ठीक हो गया, उसका विजन भी कम्प्लीटली वापस आ गया और बाद में मैंने उसकी एंटीबायोटिक बंद करवाई और डाइट में कुछ चेंजेस करवाया तो उसका हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे 8 तक आ गया, वो भी विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों, बहुत सारे लोग समझते हैं कि डायबिटीज मतलब सिर्फ ब्लड शुगर का बढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसमें पेशेंट का विजन लॉस हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसमें किडनी फेल हो सकती है, डायबिटिक हार्ट डिजीज जिसमें कोई ना कोई हार्ट में कॉम्प्लिकेशन होता है, आर्थराइटिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, अगर पेशेंट का ब्लड शुगर बहुत ही डाउन हो जाता है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, फ्रोजन ऑर्डर हो सकता है। जो बीमारी पहले 40 या 50 ईयर्स के बाद में देखी जाती थी वो आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डायबिटीज के कॉजेज क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकें और उसको प्रिवेंट कर सकें। कॉज ऑफ डायबिटीज, हेरिडिटी टेंडेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को या किसी भी ब्लड रिलेटिव्स को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज हो सकता है। ओबेसिटी, अगर आपका वेट ज़्यादा है। इन्फेक्शन एंड स्टीरोइड्स, अगर आपको बार बार कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपको स्टीरोइड लेने की ज़रूरत पड़ती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर डाइट, अगर आपका डाइट इम्प्रॉपर है, मतलब कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फैटी फूड, ऑयली फूड, बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम हो ज़्यादा खाने की हैबिट है तो ये सारे फूड बहुत ही इजीली फैट में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण लीवर में फैटी चेंजेस शुरू हो जाता है और आपको डायबिटीज हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं। इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इंक्रीज एपिटाइट, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लॉस ऑफ वेट, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी आपका वेट लॉस होता है, फटीक मतलब कि थकान महसूस होती है, बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन होती है, पोली यूरिया मतलब कि बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, नंबनेस होती है, फ्रोजन शोल्डर होता है, एकेंथोसिस निग्रीकंस मतलब कि आपके गर्दन में या फिर आपके आर्म पिट में स्किन पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम्स या फिर अगर आपकी हेरिडिटी में डायबिटीज है, आपका वेट ज़्यादा है या अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाने की हैबिट है तो आपको रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द डिटेक्ट हो जाए और हम उसे प्रिवेंट कर सकें। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, तो अगर आपको बहुत सालों से डायबिटीज है और आप कोई ना कोई मेडिसिन खा रहे हैं इसके लिए, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए आपको बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक है या अगर आपको अभी अभी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो आप सिर्फ अपना डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। रिफाइंड शुगर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, उसकी जगह पर आप पाम शुगर, खजूर या फिर देसी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड सॉल्ट की जगह पर आपको रॉक सॉल्ट यूज़ करना है, रिफाइंड ऑयल की जगह पर आपको कच्ची घानी का ऑयल यूज़ करना है, ऑयल आपको जितना हो सके उतना कम ही यूज़ करना है, एनिमल प्रोटीन मतलब कि नॉनवेज आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दही, चीज़, बटर, पनीर वो सब आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है या तो फिर उसको जितना हो सके उतना कम यूज़ कीजिए। उसकी जगह पर आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, नट्स एंड सीड्स वो सब आपको ज़्यादा यूज़ करना है। ग्लूटेन फ्री डाइट लेना है, मतलब कि गेहूँ, मैदा, सूजी
वो सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। गेहूं की रोटी आप चाहे तो हफ्ते में 2 या 3 बार ले सकते हैं, लेकिन सूजी और मैदा उसमें तो 0 न्यूट्रिशन होता है, तो वो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। उसकी जगह पर आप ज्वार, बाजरा, रागी या मिलेट्स का यूज कर सकते हो। अपने दिन की शुरुआत कभी भी चाय से मत कीजिए। तो मेरे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते कि हम चाय बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, चाय नहीं पीते तो हमारा बहुत ज्यादा सर दर्द होता है। तो अगर आपको चाय के बगैर नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन चाय से अपने दिन की शुरुआत मत कीजिए, उससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। आप अपने दिन की शुरुआत हमेशा कोई ना कोई वेजिटेबल जूस, जैसे कि ग्रीन जूस है, रेड जूस है, एस्पोर्ट जूस है, लौकी का जूस है, या कोकोनट वाटर या फिर हर्बल टी से कीजिए। उसके बाद आप थोड़े फ्रूट्स खाइए, और उसके बाद अगर आपको चाय के बगैर नहीं चलता है तो 10-10:30 बजे आप थोड़ी चाय पी सकते हैं। रेगुलर 1 आवर एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। 6 to 8 आवर आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है। 12 आवर का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, मतलब कि रात 8 बजे तक आप अपना डिनर फिनिश कर दीजिए और सुबह 8 बजे तक आप कुछ भी मत लीजिए। अगर एवरीडे आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन जरूर कीजिए। 30 to 40 मिनट्स आप सनलाइट लीजिए। अगर सनलाइट भी आपके लिए रोज पॉसिबल नहीं होता है तो आप एटलीस्ट वीक में 1 या 2 दिन धूप में जरूर बैठिए। दोस्तों, ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ, वो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है साइसिगियम जेम मदर टिंचर। अगर आपको हेरिडिटी में डायबिटीज है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, अगर आपका यूरिन शुगर आपका ब्लड शुगर से भी हाई रहता है, अगर आपको यूरिक एसिड साथ में है, अगर आपको वर्टिगो यानी कि चक्कर आ रहे हैं, अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, ये सब सिम्टम्स है तो आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सेफेलेंडा इंडिका। कार्बन कस, अगर आपको कार्बन कस हुए है, वीकनेस आफ्टर यूरिनेशन, एंटीडीनेस आफ्टर यूरिनेशन, मतलब कि आपको यूरिन पास करने के बाद बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है या फिर बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बर्निंग लाइक फायर बेटर बाय कोल्ड वाटर, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक आग जैसी जलन होती है और वो ठंडे पानी से आराम मिलता है उसमें, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है एप्रोमा अगस्टा। ड्राइनेस ऑफ माउथ विथ एक्सेसिव थर्स्ट एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि बार बार आपका मुंह बहुत सूख जाता है और आपको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और अगर आपको साथ में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है तो आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। डायबिटीज इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में डायबिटीज है तो उसके लिए क्रेटेगस मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है। ये मेडिसिन आपको लेना कैसे है, आपको ये मेडिसिन 10 से 15 ड्रॉप्स 80 ml पानी में डालकर दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम। अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है, नींद नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो उसके लिए काली फॉर 6x आप रात को सोते वक्त 4 टैबलेट ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई घाव हो गया है, अल्सर हो गया है और वो हील नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कैलेंडुला ऑइंटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा भी अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम से डायबिटीज शुरू हुआ है तो उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अलग अलग मेडिसिन है। किसी को अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया है, लॉस ऑफ विजन हो गया है, तो उसके लिए फॉस्फोरस बहुत यूजफुल है। अगर किसी पेशेंट का सीरम क्रिएट बहुत बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है जो पेशेंट को उसके सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती है। इवन पेशेंट डायलिसिस पे तो उसके डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाती है। होम्योपैथिक में पेशेंट तब भी आता है जब उसको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ऐसे में पेशेंट ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन पे होता है तो हम उसकी मेडिसिन एकदम से स्टॉप नहीं करवाते हैं। हम सपोर्ट के लिए पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और जैसे जैसे पेशेंट को ठीक होता जाता है उसकी एलोपैथिक मेडिसिन ऑटोमेटिकली कम होती जाती है और बाद में पेशेंट एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकता है। तो अगर आप भी अपना डायबिटीज कम्प्लीटली रिवर्स करके एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमें कमेंट में लिखिए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।